मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग फ्रॉम आदर्श महाविद्यालय। आदर्श महाविद्यालय की तरफ से आपका ऑनलाइन शिक्षण में स्वागत है। ट्वेल्थ अकाउंट्स में हम लोग चैप्टर नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। कौन सी फॉर्म? पार्टनरशिप। साझेदारी पेरी का विसर्जन, उसमें हमने कल थ्योरी का पार्ट देखा था। विसर्जन किसे कहते हैं, साझेदारी का विसर्जन किसे कहते हैं, साझेदारी फॉर्म का विसर्जन किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने एक चैप्टर नंबर 7 के अंदर फोर का एक पॉइंट डिस्कस कर ली थी। उसमें क्या था कि साझेदारी पेड़ी का विसर्जन किस तरह से करते हैं, यानी दो तरह की विधियाँ हैं। एक था स्वयं इच्छा से किस तरह से विसर्जन करते हैं, दूसरा है कानून के द्वारा विसर्जन। स्वयं इच्छा के बारे में पढ़ लिया, जब पार्टनर्स के बीच में खुद की इच्छा बने, सहमति बने, तब पार्टनरशिप फॉर्म का अंत किया जाता है। बट अभी जो है विसर्जन कानूनी तौर पर, ठीक है, फॉर्म का कानून तौर पर विसर्जन किस तरह से करते हैं। कई बार क्या होता है, जो हमारी फॉर्म चल रही है उस फॉर्म में क्या, जो पार्टनर्स के बीच में वाद विवाद होता है पैसों की वजह से या काम की वजह, कोई भी कारणवश उनके अंदर वाद विवाद होता है, तो उस विवाद को निपटारे के लिए वो क्या करते हैं, सॉरी, उनके बीच में सहमति नहीं बनती है तो वो क्या करते हैं, अदालत की सहायता लेते हैं। ये क्वेश्चन है विसर्जन सब निपटारे के संदर्भ में कानूनी प्रावधान, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके लिए थ्योरी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो हमारा जो सिलेबस है, जो बोर्ड ने 30% जो काट दिया था, उसके अंदर ये पॉइंट कवर हो रही है, तो प्लीज आप इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना, ठीक है। कानून तौर से किस तरह प्रावधान किया जाता है, यानी विसर्जन के हिसाब निपटारे के संदर्भ में कानूनी प्रावधान अकॉर्डिंग टू वन ऑफ सॉरी। इसके बाद में इसमें फर्स्ट पॉइंट है पेरी के हानि के संदर्भ। कई बार क्या होता है, जो हमारी फॉर्म है वो कंटिन्यू लॉस करती जा रही है, इन फ्यूचर दिखाई नहीं देता, वह लाभ करेगी या न करेगी, यानी कंटिन्यू हानि ही हानि करेगी, तो इसके संदर्भ में क्या होता है, कुछ प्रावधान करने पड़ते हैं। जैसे कि प्रथम पेड़ी के लाभ में से अप्लीकेट कर सकते हैं, जो किसी वर्ष कोई भी नुकसान हुआ है तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, जो पेड़ी का जो लाभ है उसमें से हम लोग राइट ऑफ कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट नहीं है तो क्या करेंगे, जो पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसमें से उसको अपलिखित करते हैं। फर्स्ट हमको नुकसान हुआ तो कहाँ से उसका वसूली करेंगे, फर्स्ट प्रॉफिट में से, सेकंड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अगर पार्टनर्स की कैपिटल में भी कुछ पैसा नहीं बचा तो उसकी जो पार्टनर्स है उनकी जो निजी संपत्ति बेच कर सेल कर कर हम उस नुकसान की भरपाई करते हैं, ठीक है। आया सबको समझ में? फर्स्ट था पेड़ी के हानि के संदर्भ, कुछ भी कोई नुकसान हुआ है तो कैसे भरपाई फर्स्ट करेंगे, फर्स्ट जो पार्टनरशिप हम उसके प्रॉफिट में से, सेकंड पार्टनरशिप कैपिटल में से। अगर तो कैपिटल में भी पैसा नहीं है तभी क्या करेंगे, पार्टनर्स का जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वह सेल कर कर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद है सेकंड पेड़ी का ऋण और साझेदारी का निजी ऋण। क्या होता है कई बार पेड़ी क्या करें, पार्टनर होते हैं अदर दूसरी जगह से ऋण लेने के बदले पेड़ी में से ऋण ले लेते हैं कम ब्याज की दर पर, इससे उनको फायदा मिलता है, गारंटी वगैरह की आवश्यकता भी कम होती है। पर उस समय क्या करते हैं, जो पार्टनर्स दिवालिया घोषित हो गए हैं उनके पास पैसा नहीं है, पार्टनर्स पैसा देने के लिए तैयारी नहीं हो रहे या दिवाली हो गए, किसी कारणवश उनकी फाइनेंशियल पोजिशन खराब हो गई, आर्थिक परिस्थिति खराब हो गई, उस समय वो लोग क्या करेंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे, जो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो निजी संपत्ति है वह बेचकर उस प्रॉपर्टी में से फर्म का पैसा वसूल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्म के पास तो पहले से पैसा नहीं है, फर्म ऑलरेडी लॉस में चल रही है, तो उसकी कहाँ से भरपाई करेगी, नुकसान की कहाँ से भरपाई करेगी, पार्टनर्स के प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचकर, ठीक है। आया सबको समझ में यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद ये फर्स्ट सेकंड पॉइंट हो गए, फिर थर्ड नंबर पॉइंट साझेदार की पेड़ी को लोन।
कई बार क्या होता है, हमको पैसों की आवश्यकता होती है, फाइनेंशियली जरूरत होती है, तब वो लोग क्या करते हैं, जो फर्म है पार्टनरशिप में दूसरों से ऋण लेने के बदले वह खुद ही जो उसके पार्टनर है उसको लोन देते हैं और जो ब्याज की रकम खुद की वसूल करते हैं। ठीक है, बट उस समय क्या किया जाता है, पार्टनर्स की लोन की वसूलात किस तरह से करते हैं, फर्स्ट हमारा क्या होता है, धंधे का जो विजोलेशन एक्सपेंस है वो चुकाया जाता है। इसके बाद अदर जो राइट वाला है, अन्य जवाबदारी है, जैसे कि क्रेडिटर्स को चुकाना, जिससे हमने लोन ली है या बिल्स पेबल है या बैंक ओडी है, वो पहले पे किए जाते हैं, बाद में पार्टनर का जो लोन है उस पर उनको अगर पैसे बचते हैं तो उनके लोन की रकम चुकाई जाती है। ठीक है ना, आप समझ गए विसर्जन इंटरेस्ट क्या, जब हमारा बिजनेस पूरा का पूरा लॉस में चल रहा हो, फ्यूचर उसका कोई भी फ्यूचर नहीं है, लाभ होने का कोई चांस नहीं है, तभी उसको डिजोलेशन करते हैं। तभी क्या करते हैं, फर्स्ट डिजोलेशन एक्सपेंस पे करते हैं, फिर इसके बाद किसको पे करते हैं, जो पार्टनरशिप का दायित्व है, क्रेडिटर्स वगैरह, बिल्स पेबल, बैंक ओडी, बैंक लोन, फर्स्ट उसको पे करेंगे, सिक्योर्ड जवाबदारी को, इसके बाद अगर कुछ बचता है तो पार्टनरशिप लोन को पे करेंगे। ठीक है, इसके बाद फोर्थ नंबर पॉइंट है, इसके अंदर साझेदारी की पत्नी की लोन। हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में क्या किया जाता है, जो पार्टनर होते हैं कई बार वो लोग क्या करते हैं, उनकी वाइफ के नाम से लोन ले लेते हैं, तो क्या होता है, स्त्री धन में से जो पार्टनर होते हैं, स्त्री धन उन्होंने जो सेविंग की है उसमें से वो लोग क्या करते हैं, फर्म को पार्टनरशिप फर्म को लोन देते हैं। उसमें भी क्या किया जाता है, स्त्री की लोन है यानी पार्टनर की वाइफ की लोन है, बट उसको ट्रेड कैसे करते हैं, पार्टनर की लोन के जैसा ही ट्रेड करते हैं। जब फर्स्ट क्या पे किया जाएगा, डिसोल्यूशन एक्सपेंस, बस फिर राइट पक्ष की जवाबदारियां, बैंक लोन, बैंक ओडी, क्रेडिटर्स, बिल पेबल, वह पे किया जाएगा। इसके बाद अगर कुछ बचता है, जिस तरह से पार्टनर की लोन होती है उसी तरह से पार्टनर की वाइफ को की लोन को बाद में पे किया जाता है। ठीक है, आया सबको समझ में। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर फायदारों की जिम्मेदारी, जो भी पार्टनरशिप फॉर्म होती है उसकी जवाबदारी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। आपको पता है जो भी पार्टनर उसके साथ जुड़े हैं अनलिमिटेड है। जब पार्टनरशिप फॉर्म में समझो पांच पार्टनर उसमें से चार दिवालिया घोषित हो गए, फोर आर इंसॉल्वेंट। ठीक है, तो बाकी जो एक पार्टनर बचा, कितना बचा, चार में से एक लेस करके बाकी कितना बचा, एक पार्टनर। जब एक पार्टनर जब बचा तो वह सदर, उसके पास पैसे वगैरह पड़े, तो जो भी फॉर्म के अंदर जो नुकसान हुआ है तो वह अकेला पार्टनर उसको चुकाना पड़ेगा। ठीक है ना, उसकी निजी प्रॉपर्टी वगैरह बेच कर पूरी की पूरी पार्टनरशिप फॉर्म की जवाबदारियां चुकाई जाएगी। ठीक है, फिर आए सबको समझ में, आज अमर्यादित जवाबदारी मतलब आप समझे ना, मैं आपको कितनी बार बोलता था, हमने पहले भी डिस्कस किया था, अमर्यादित जवाबदारी किसे कहते हैं, इसे कहते हैं अगर पार्टनरशिप अब लॉस में जाती है, एक ही पार्टनर उसकी फाइनेंशियल और आर्थिक परिस्थिति अच्छी है, इन डेट कैश ही इज पे द ऑल अमाउंट ऑफ द पार्टनर बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स। ठीक है, दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ पर वह रकम फिर चुकाने की उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। ठीक है, वह पूरी की पूरी जवाबदारी चुकाएगा। अगर उसके पास पैसे वगैरह नहीं है तब क्या किया जाता है, उसके प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह बेचकर वह रकम वसूल की जाती है। ठीक है, इसके बाद लास्ट है सिक्स नंबर, पेड़ की संपत्ति की उपज का वितरण। क्या होता है पेड़ी की संपत्ति का उपज वितरण में, क्या होता है पेड़ी की संपत्ति के उपज से भुगतान निम्नलिखित क्रमशः होता है, पैसा कहां से देंगे, धंधे में ऑलरेडी लॉस हो रहा है,
पैसा कहाँ से आएगा? तो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज वगैरह जो फॉर्म की प्रॉपर्टी है, पार्टनरशिप फॉर्म की प्रॉपर्टी है, वह बेचकर पैसा वसूल किया जाता है। ठीक है, उसमें सबसे पहले क्या चुकाया जाता है, मैंने आपको पहले बताया था, जो पेज नंबर आपको दिया है, सर्वप्रथम विसर्जन कर चुकाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्या चुकाया जाता है इसमें, डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे किया जाता है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस। गंदा बंद कर रहे हैं उसके पीछे भी तो कानून है, कुछ ना कुछ खर्च होगा ना, वह चुकाया जाता है। इसके बाद अगर ऐसे बचते हैं तो क्या करते हैं, दायित्व पक्ष के दायित्व, अदर अदर साइड लायबिलिटी चुकाई जाती है, जिसमें कौन कौन शामिल होता है, वेटर्स, बैंक लोन, बैंक ओडी या बिल्स पेबल वगैरह जो होता है पहले वह चुकाया जाता है। ठीक है, अगर इसके बाद बचता है तो क्या चुकाया जाता है, थर्ड पे स्टेप इसका क्या होता है, पार्टनर्स लोन की रकम चुकाई जाती है। ठीक है, फोर्थ इसके अंदर क्या चुकाया जाता है, अगर पैसे बचते हैं तो पार्टनर्स ने जितनी कैपिटल डाली है, जितने उनके करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, वह चुकाया जाता है। ठीक है, फोर्थ में क्या चुकाया जाता है, उनका कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंस पे किया जाता है। ठीक है, पे द बैलेंस ऑफ करंट एंड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसके बाद और पैसे बच गए, अगर और भी प्रॉफिट हो रहा है तो क्या किया जाता है, उनके जो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो है, वो प्रॉफिट बचा, संपत्ति वगैरह बेच दी, कुछ पैसा बचा, तभी उनको प्रॉफिट हो रहा है तो उनको प्रॉफिट चुकाया जाता है। कौन से रेशियो में, प्रॉफिट लॉस रेशियो में चुकाया जाता है। यह बहुत कम रेयर टाइप्स आपको दिखेगा, तो क्या किया जाता है, अगर प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन टू पार्टनर्स इन पीएनएल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, रेशो में उनको चुकाया जाता है। ठीक है, आया सबको समझ में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। फिर इसके बाद है सी नंबर पॉइंट, विसर्जन की सामान्य विधि प्रक्रिया। मैंने आपको जैसे बताया विसर्जन की सामान्य प्रक्रिया कैसे होती है, हमारे फर्म लॉस में चल रही है तो पहले क्या किया जाता है, उनकी संपत्ति वगैरह बेचकर प्रॉफिट जो अर्न होता है, जो पैसे मिलते हैं, अगर पैसे जितने होंगे उतने ही हमारे जो जो क्रेडिटर्स वगैरह उनको चुकाया जाता है, अगर कुछ बढ़ता है तो कैपिटल का अमाउंट चुकाया जाता है, अगर उससे ज़्यादा बचता है तो पार्टनर्स के बीच में चुकाया जाता है। जहाँ तक पैसे होंगे तब तक हमारा सम्स चलता आएगा, फर्म को जो जॉब करें चुकाई जाएगी, अगर नहीं पैसे हैं वहाँ पर ये सम क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आया सबको समझ में? ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, विसर्जन के हिसाबी असर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ विसर्जन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जो इसके बाद फोर्थ के बाद अपनी जो फिफ्थ पॉइंट है वो उसमें क्या है, विसर्जन के समय हिसाबी असर, जब हम हमारा जो बिजनेस है उसको क्लोज करते हैं तभी क्या कुछ हिसाबी असर देने पड़ते हैं, कुछ हमको खाते वगैरह बनाने पड़ते हैं, जब लॉन्ग सम आएंगे तो फिर हमको खाते वगैरह आवश्यक खाते तो बनाने ही पड़ेंगे, तो कम से कम जो खाते हैं वो यहाँ पर नेसेसरी अकाउंट बने, मिनिमम हमको ये अकाउंट बनाने ही पड़ेंगे। फर्स्ट क्या है, वसूली खाता, जिसे रियलाइजेशन अकाउंट या संपादन खाता या माल मिलकत खाता कहते हैं, माल निकाल खाता। हमें माल निकाल खाता क्यों रखा है इसका नाम, जो भी एसेट्स वगैरह हैं हम उसको बेच देते हैं और उपज प्राप्त करते हैं, या जो जवाबदारियां हैं उनको पे कर देते हैं, उसके लिए यह खाता बनाया जाता है। इन सेंस कहने का मतलब मेरा यह है कि जब बंदे में पेड़ी के विसर्जन के समय पेड़ी की संपत्तियां और दायित्व के निपटारे के हिसाब असर देने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे संपादन अकाउंट या रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं।
आपसे बोर्ड के एग्जाम में 1 मार्क का पूछ सकता है कि वसूली खाता या संपादन खाता या माल मिलकर खाता किसे कहते हैं। जब पेड़ी का रिजोल्यूशन हो, जब पेड़ी को जब बंद किया जाए, तब उसके लिए जो खाता यानी एसेट्स वगैरह लायबिलिटी को पे करने के लिए, एसेट्स को बेचने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे वसूली खाता कहते हैं, ठीक है ना। और इसका दूसरा कौन सा नाम है वसूली खाते को? माल मिलकत खाता और संपादन खाता। दूसरा क्या है फिर? वन लाइन ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है? माल मिलकत खाता, माल निकाल खाता, सॉरी माल मिलकत निकाल खाता, मिलकत निकाल खाता, ठीक है। और दूसरा कौन सा नाम है? वसूली खाता, माल निकाल खाता, तीसरा है संपादन, संपादन खाते के नाम से भी इसको जानते हैं। तीन नाम है रियलाइजेशन अकाउंट को, संपादन अकाउंट, वसूली खाता, माल निकाल खाता, तीन नाम से जाना जाता है। क्यों बनाया जाता है? जब हमारी फर्म का अंत होता है, जब फर्म का डिसोल्यूशन किया जाता है, तब यह खाता हमारी संपत्ति को निकालने बेचने के लिए और जवाबदारी को पे करने के लिए यह खाता बनाया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद है साझेदारी, साझेदारों की लोन, साझेदारों की लोन कब बनाया जाता है? जब साझेदार ने लोन दी हो तब। मैंने जैसे आपको पहले बताया था साझेदार को लोन कब पे करते हैं, जब हमने यानी जब पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर ने लोन दिया हो तब, ठीक है, तभी यह खाता बनाया जाता है। और पेमेंट कब की जाती है? फर्स्ट वसूली खाता, जो वसूली जो रिजोल्यूशन एक्सपेंस पे करते हैं। अगर इसके बाद कुछ बचता है तो उत्तरदायित्व पक्ष की जवाबदारी चुकाने के बाद इसके बाद पैसे बचते हैं तो थर्ड नंबर स्टेप, ज़्यादा पैसे बचे तब पार्टनर के लोन को रकम चुकाई जाती है, ठीक है। आया सबको समझ में? इसके बाद है थर्ड नंबर पॉइंट, साझेदारी की पूंजी या चालू खाता, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। आप जैसे जानते हैं कि जब कोई पार्टनर बिजनेस के अंदर जुड़ता है तो कुछ ना कुछ उसमें पूंजी विनियोग तो करता ही है, बट उसको कब उसकी रकम पे की जाती है? रिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म में, फर्स्ट वसूली, रिजोल्यूशन एक्सपेंस पे करने के बाद इसके बाद कुछ बचता है तब क्या है? उत्तरदायित्व पक्ष जवाबदारी चुकाई जाती है। इसके बाद अगर कुछ और बचता है तो पार्टनर्स को लोन चुकाई जाती है। अगर लोन की रकम चुकाने के बाद भी कुछ बचा तब पार्टनर्स ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है या उनका जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वह चुकाया जाता है, ठीक है। आया सबको समझ में यहां तक? फिर इसके बाद है कैश एंड बैंक अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट तो इसमें बनेगा, दो तरह से बनाया जाता है, तो रियलाइजेशन में ही इसको इफेक्ट दे दे या सेपरेट बना जाए तो सबसे अच्छा, ठीक है। अलग से बनाओगे तो बहुत अच्छा होता है। इसमें क्या होता है, जो भी हमारी संपत्तियां वगैरह जब बेचते हैं तभी रकम का उपज होती है, रकम मिलती है, पैसे मिलते हैं, वो पैसे बैंक या नकद के रूप में होते हैं। इसके लिए जो खाता बनाया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में, ब्रोकर बैंक खाता बनता है। चार आवश्यक खाते बनते हैं, कौन सा? रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड पार्टनर्स लोन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, चौथा कैश एंड बैंक अकाउंट, ठीक है। आई होप सो जो मैंने थ्योरी का पार्ट इसी रिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म में पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। अभी क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो इसकी कुछ जनरल नियम है मैं आपको पहले समझा दूंगा, इसके बाद इसके हमको क्या करना है सिर्फ शॉर्ट सम ही देखने हैं। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ आपकी बोर्ड के एग्जाम में शॉर्ट सम ही पूछे जाएंगे, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अभी क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये जनरेटर सीख लेंगे फिर शॉर्ट सम पे आ जाएंगे, ठीक है। अभी आपकी यूनिट टेस्ट आने वाली है 27-28 तारीख को, यूनिट टेस्ट आ गई, उसमें कौन सा चैप्टर आने वाला है? 5वां, 6वां, 7वां, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और रिजोल्यूशन ऑफ फर्म। तो आप पहले से उसकी तैयारी कर लेना, कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही।
थैंक यू।